सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। बिहार राज्य के कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 स्थित पंजाब नेशनल बैंक के नीचे स्थापित एटीएम से बृहस्पतिवार की अहले सुबह दो अज्ञात चोरों ने एटीएम काटकर 5400 रुपए चुरा लिए। संयोग यह रहा कि एटीएम में मात्र 5400 रुपए ही थे, वरना चोर लंबा हाथ मारने में सफल रहते। चोरों ने गैस कटर से पहले शटर को काटा, फिर एटीएम मशीन को गैस कटर से काटकर पैसे निकाल लिए। वह भागने में भी सफल रहे। जब सुबह लगभग 6:45 बजे सफाई कर्मी द्वारा एटीएम मशीन को सफाई करने के लिए पहुंचा गया तो देखा गया कि शटर हल्का उठा हुआ है और अज्ञात चोरों ने गैस कटर से उस शटर को काटकर पैसे उड़ा लिए हैं। वरीय प्रबंधक सुजीत कुमार ने मोहनिया थाना प्रभारी उदय भानु सिंह को तुरंत इसकी सूचना दी। सूचना पाते ही पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दी है। चोरों की शिनाख्त करने का प्रयास पुलिस कर रही है। चोरों ने एटीएम में प्रवेश करने से पहले सीसीटीवी पर स्प्रे कर दिया था ताकि तस्वीरें धुंधली हो जाए। कैमूर से विवेक सिन्हा की रिपोर्ट। ये घटना जो है सुबह में 3 से लेकर के 3:20 के बीच की घटना है, जिसमें कि हमारा जो बल्क नोट एक्सेप्टर मशीन है जिसमें पैसा जमा और निकाला दोनों जाते हैं, उसमें से लोगों ने थेफ्ट किया, स्टील किया पैसा उसके अंदर से चुराया, शटर काट करके और अंदर जाकर के गैस कटर की मदद से वो वॉल्ट काट करके जितने भी कैसेट थे उसके अंदर जिसमें पैसा रहता है वो सारा कैसेट लेकर के चले गए। सुबह लगभग 7:45 बजे के आसपास जो हमारा सफाई कर्मी है वो जब सफाई करने आया तो उसने देखा कि शटर जो है वो उठा हुआ था और साइड से कटा भी हुआ था, तो उसके द्वारा सूचना दी गई। उसके बाद में थाना को सूचना किया गया, फिर थाना के लोगों के सामने और बैंक कर्मियों के सामने शटर को उठाया गया तो पाया गया सामने से मशीन जो थी वो कटी हुई थी और सारे कैसेट्स लेकर के निकाला गया। जो कैमरा अंदर में लगा हुआ था सिक्योरिटी कैमरा उनके ऊपर में ब्लैक स्प्रे कर दिया गया था जिससे कि साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे, कुछ भी बाहर नहीं दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। उन लोगों को आते समय दिखा बस जो कि पूरा चेहरा जो है अपना गमछा से पूरा पैक किए हुए था, चेहरा किसी का भी नजर नहीं आया। उसके बाद में स्प्रे कर दिया मिनट के अंदर में और फिर उन लोगों ने घटना को अंजाम दिया और चले गए। इसकी सूचना थाना प्रभारी को दे दी गई है, वो FIR के लिए चिट्ठी जा रही है, अभी साथ में वीडियो फुटेज भी प्रोवाइड करा दिया गया है जिस आगे कार्रवाई कर रहे हैं वो लोग अपना, और जैसा छानबीन में पता लगेगा आगे बताया जाएगा। कुल राशि कितना था उसमें? कुल राशि लगभग 5400 रुपये थी। सीसी कैमरा में कुछ नहीं दिख रहा था, एक है, दो हैं, दो लोग थे। ये दो लोग और मुंह पे फेस पे क्या लगा है? कुछ गमछा लगा करके पूरा पैक किया हुआ था।